दरभंगा शहर में सुर्खियों में छाने के लिए शोभा यात्रा में पिस्टल के साथ रील्स बनाना युवक को पड़ा भयंकर मांगा, जहां पुलिस ने युवक को पिस्टल के साथ धर दबोचा। जी हां, बीते रविवार को दरभंगा शहर में निकाले गए बजरंग शोभा यात्रा के दौरान एक युवक को पिस्टल के साथ पकड़े जाने का वीडियो इन दोनों खूब वायरल हो रहा है। वहीं शोभा यात्रा के कमेटी सदस्य सह भाजपा नेता अमरनाथ गामी ने तो इस पर सोशल मीडिया पोस्ट एवं प्रेस रिलीज तक जारी करी, जिसे दरभंगा को दहलाने की साजिश का आरोप लगाया। हालांकि वहीं इस पर जब हमने दरभंगा के सदर SDPO अमित कुमार से प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने ऐसी किसी भी साजिश की बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया युवक सोशल मीडिया के लिए रील्स आदि बनाता है और यही कारण है कि सुर्खियां में छाने के लिए उसने प्लास्टिक के पिस्टल को अपने पास रखा था। हालांकि जैसे ही पुलिस को संदेह हुआ, फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जहां उसके आपराधिक इतिहास एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी भी ली गई। वहीं साथ ही युवक द्वारा बनाते हुए वीडियो आदि को भी देखा गया। उसके बाइक के सारे कागजात जांचे गए, सभी कागजात सही पाया गया है। हालांकि ठीक इधर पूरी छानबीन के बाद उसे PR बाउंड पर छोड़ दिया गया है। प्रतिक्रिया ये है कि जो लहरिया थाने की गश्ती की टीम थी, उन्हें एक लड़का मास्क लगाया हुआ था चेहरे पर, जो मेले वगैरह में प्लास्टिक का मास्क पहनता है, तो उस संदर्भ में उसे रोका गया। रोकने के बाद तलाशी ली गई तो मेले से ही खरीदा गया, जैसा उसने बताया, पिस्टल, प्लास्टिक का पिस्टल भी उसके पास से बरामद हुआ। दो लड़के थे अपनी बाइक पर। विशेष पूछताछ के लिए थाने पर लाया गया, उनकी गतिविधियां के बारे में पता किया गया, आपराधिक इतिहास, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता किया गया, सब कुछ सामान्य और सही पाया गया। मामला ये था कि वो रील्स वगैरह बनाने के लिए, सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए यूनिवर्सिटी एरिया में उधर कहीं आसपास मंदिर के पास मेले के में बिकने वाले मास्क और पिस्टल को लेकर कुछ रील्स वगैरह बनाकर उसने अपलोड भी किया था और मोबाइल में उसको दिखाया भी। सारी पुष्टि के बाद PR बॉन्ड भरवा कर उसे रिलीज किया गया। कुछ भी आपत्तिजनक मामला था सर, उसकी गाड़ी भी, उसके साथ मोटरसाइकिल थी, उसकी गाड़ी नंबर भी पता चला था सर, तो उससे क्या, उससे भी सत्यापन किया गया। जो बता रहा था उसी की गाड़ी थी, गाड़ी कागजात सही थे, लड़के का आपराधिक इतिहास नहीं है, 25 साल का नौजवान था। पिस्टल सर प्लास्टिक प्लास्टिक